हेलो मेरे प्यार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं क्लब एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सैमसंग की जो एफ सीरीज आने वाली है उसमें फ़ोन आएगा सैमसंग का F41, और ये जो फ़ोन है ये रिवील हो चुका है फ्लिपकार्ट के ऊपर के ये 8 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है। और इसके साथ में आपको मिलेगी इसमें 6000 mAh की बैटरी, और आपको इसमें ट्रिपल स्लॉट भी मिल जाएगा, और इसकी कीमत होने वाली है 16000 रुपये। तो चलिए दोस्तों, इस फ़ोन के बारे में भी हम पूरी डिटेल में जान लेते हैं कि और इस फ़ोन में हमको क्या मिल जाएगा, जो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर भी रिवील हो चुका है और बाकी के इसके स्पेसिफिकेशंस भी हमारे सामने आ गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसकी डिज़ाइन की बात कर ली जाए, इसमें आपको आगे की तरफ एक ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगी, और पीछे की तरफ आपको इसमें लेफ्ट साइड पर मिलेगा एक ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप। अब दोस्तों, अगर इसके डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मिल जाएगी 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसके पिक्सल डेंसिटी है 403 PPI, और इसके साथ में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन भी मिल जाएगी। अब दोस्तों, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, इसमें आपको मिलेगा सैमसंग का ही चिपसेट, इसमें आपको मिल जाएगा सैमसंग का एक्जिनोस 9 octa 9611 का चिपसेट, और इसके साथ में आपको ग्राफिक्स के लिए भी मिल जाएगा माली G72 MP3, और आपको इसमें रैम अच्छी खासी मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाएगी 6 GB की रैम, और इसके साथ में आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी 64 GB की, जिसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो और 512 GB तक। अब मेन दोस्तों, अगर इसके कैमरास की बात कर ली जाए, इसमें आपको प्राइमरी कैमरा तो बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है, क्योंकि वो आपको इसमें मिल जाएगा 64 MP का कैमरा। उसके साथ जो दूसरा कैमरा दिया गया है वो आपको इसमें मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए, जो कि दिया गया 8 MP का कैमरा, और तीसरा कैमरा आपको इसमें 5 MP का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको इसमें फ्रंट सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है, क्योंकि वो इसमें दिया गया है 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा। और दोस्तों, बैटरी तो आपको सैमसंग की तरफ से बहुत ही कमाल की मिल रही है, और इसमें भी आपको अच्छी खासी 6000 mAh की बैटरी भी मिल जाएगी। साथ में आपको 15W की फास्ट चार्जिंग की स्पोर्ट भी मिल जाएगी, जो कि 15W का चार्जर आपको इसके बॉक्स के साथ ही मिलने वाला है। और ये फ़ोन आपको ड्यूल सिम में तो मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरा सिम है वो हाइब्रिड सिम दिया गया है। हालाँकि हमको इसमें ट्रिपल स्लॉट भी देखने को मिल जाता तो और भी मज़ा ही आ जाता, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज जो है वो सिर्फ 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। और इसके अलावा आपको इसमें USB Type-C पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको इसमें 3.5 mm का जैक भी नहीं मिलने वाला, उसका काम भी आपको टाइप सी से ही चलाना पड़ेगा। और जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ठीक इसके पीछे की तरफ ही दिया गया है, और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा Android 10Q। ब्लास्ट में दोस्तों, अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए, इसका प्राइस होने वाला है 15,999 रुपये, जो कि 8 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है, जो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको मिल जाएगा, और ये रिवील भी हो चुका है फ्लिपकार्ट के ऊपर, आप पूरी डिटेल जाकर फ्लिपकार्ट के ऊपर भी देख सकते हो। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये फ़ोन कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, मिलते हैं कौन नए फ़ोन के साथ और एक कौन नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।